आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तेज हवा के साथ हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन तपिश थमने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी के कारण ताजमहल पर देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या कम हो गई है, इससे होटल व्यवसाय को नुकसान हो रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटकों की कमी से कर्मचारी और बिजली का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। गर्मी का असर स्मारकों पर दिखाई दे रहा है। तपिश के कारण ताजमहल देखने के लिए कम पर्यटक आ रहे हैं, जिससे होटल रेस्टोरेंट व्यवसायियों को काफी नुकसान हो रहा है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बाधवा का कहना है कि सर्दी के मौसम में 25 से 30 हजार देशी विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आते थे, लेकिन मई माह की भीषण गर्मी में पर्यटकों की संख्या 6-7 हजार सिमट कर रह गई है। इसमें शनिवार और रविवार को पर्यटकों की संख्या जरूर 15 से 20 हजार पहुंच जाती है। देखिए, गर्मी के सीज़न में पर्यटक सीज़न तो वैसे ही बहुत कम हो जाता है, और इस बार विशेष तौर से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि 46-47 डिग्री सेल्सियस के अंदर टूरिस्ट किस प्रकार से निकलेगा। और ताजमहल के अंदर तो जब दोपहर में अगर घूमने जाएगा तो वहाँ जो है शू कवर भी ढंग से नहीं मिल पाते हैं, तो गर्मी के मारे तो टूरिस्ट वैसे भी नहीं निकलता है। और इन दिनों में टूरिस्टों की जो आने की जो संख्या है वो भी 5-6 हज़ार के बीच में रह जाती है। अगर वीकेंड की बात करें तो सैटरडे संडे या लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, एकाध एक्स्ट्रा हॉलीडेज अगर इंक्लूड हो जाता है तो उसमें ये है कि ये संख्या 15 से 18 हज़ार तक पहुँच जाती है। पर अगर टूरिस्ट सीज़न की बात करें तो उस सीज़न के अंदर आमतौर से ही 15 से 20 हज़ार टूरिस्ट अक्सर होता था, और वीकेंड के अंदर कभी कभी 30 से 35 हज़ार टूरिस्ट तक पहुँच जाता था। मई माह में भीषण गर्मी के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। देशी पर्यटक भी धूप में घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बाहर से पर्यटक आते थे और रात को कई दिन होटल रेस्टोरेंट में ठहरते थे, लेकिन अब बहुत ही कम पर्यटक होटल में ठहर रहे हैं, जिससे होटल व्यवसायियों को काफी नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों और बिजली का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। जो इतना टूरिस्ट आगरा के अंदर आता है उसमें नाइट स्टे करने वाला कितना है, सबसे बड़ी समस्या पर्यटन उद्योगियों उद्यमियों को और ख़ास तौर से होटल उद्यमियों के लिए साथ में ये है कि आगरा में नाइट स्टे नहीं है। आगरा के अंदर टोटल 10 से 12% टूरिस्ट ही सिर्फ रुक पा रहा है, और ऑफ सीज़न के अंदर आजकल अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 5-6% टूरिस्ट ही सिर्फ स्टे कर पा रहा है। देखिए, पर्यटन की कमी की वजह से तो पर्यटन उद्योग को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। पिछले 3 साल से देखिए, 2 साल से 2.5 साल से कोरोना हो गया, अब होटल खुले भी हैं तो उनके पास जो ऑक्यूपेंसी है वो 3-4-5% की 6% की ऑक्यूपेंसी है, उससे उनका बिजली का बिल भी नहीं निकल पा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स है, लेबर की वेजेस हैं, लॉन्ड्रीज वाले हैं वो उसको ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनका ही एक्सपेंसेस नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो पर्यटन उद्यमी ख़ासतौर से होटल उद्योग तो बहुत बुरी तरह प्रभावित है। आगरा में ताजमहल के साथ अन्य स्मारक भी हैं। इस बारे में अधिकांश विदेशी पर्यटकों को जानकारी नहीं है। पर्यटकों की जानकारी के लिए प्रचार प्रसार कराना बहुत जरूरी है, जिससे पर्यटक सभी स्मारकों पर पहुंच सके। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। मई के साथ जून में भी ऐसे ही हालात रहने की संभावना जताई जा रही है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से फिलहाल लोगों को राहत मिली है, लेकिन तपिश अभी भी बरकरार है। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।